हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि फेसबुक से मोबाइल नंबर को रिमूव कैसे करें, तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप फेसबुक में कोई वीडियो को सर्च करके देखते हैं तो या फिर लाइव देखते हैं तो उसका सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करें, तो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक दिए जाते हैं, और किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। गाइस, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। फेसबुक वॉच वीडियो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए फेसबुक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो ऊपर में आपको थ्री लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे में आप सभी को सेटिंग एस प्राइवेसी सी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आप सभी को सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे में आप सभी को एक्टिविटी लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आप सभी को इसको इधर स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर वीडियो वॉच में चले जाना है। इसमें जाने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आप जितना भी वीडियो देखे हैं हिस्ट्री में सब यहाँ पर ऐड हो गया, तो डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर थ्री बिंदु पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो ऐसे ही ऐसे तो आप एक वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। आप पूरे वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आपको डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सारे वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।